सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल सो नितिन गेमिंग। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको लो एंड डिवाइस वालों के लिए लो एंड सेटअप लेके आ गया हूँ। तो इस वाले वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज जो सेडर देने वाला हूँ तो वो सभी डिवाइस में वर्क करने वाला है, चाहे आपका 1 GB रैम हो, 2 GB रैम हो या 3 GB रैम है। तो आप लोग का इजीली वर्क करने वाला है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर पैक है। तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर ट्राई करना। तो वीडियो पर बने रहो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में प्ले कर सकते हो। तो आप लोग को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा सब फॉर अनलॉक वाला, तो उस पर आप लोग को क्लिक करके वहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करने को बोलेगा। तो स्टेप फॉलो कर लेना तो आपका लिंक अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है ZAchiever। तो ZAchiever आप लोग को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, कुछ ही MB का APK है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना उस, तो आप लोग अपना ZAchiever एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहो। तो अब आप लोग अपना ZAchiever एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाना है। तो आपको यहाँ सेडर कूडा नाम का एक जिप फाइल मिलेगा, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। तो आपका एक फाइल बन के आ जाएगा, तो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और कट या कॉपी जो भी करना है कर लेना। तो मैं कट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको फिर से डिवाइस मेमोरी में आ जाना है। डिवाइस मेमोरी में आने के बाद आपको गेम्स वाले फोल्डर में जाना है, com.modem वाले फोल्डर में आना है और यहाँ पर आपको रिसोर्स पैक वाला फाइल में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बटन दबा के सिंपली पेस्ट कर देना है। अब आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है, तो माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद आपको प्ले वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। प्ले वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है। तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेते हैं हम लोग, एक अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्रिएटिव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको रिसोर्स पैक में आना है और माई पैक में आने के बाद आपको यहाँ पर जेब्रा शेडर भी 1.0 दिखेगा। तो उस पर आपको क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना। तो एक्टिवेट करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना और अपना वर्ल्ड जनरेट कर लेना। तो मेरा वर्ल्ड जनरेट हो रहा है, तो होने देते हैं। तो आप लोग देखो मेरा वर्ल्ड जनरेट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको कलर करेक्शन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आप लोग देखो सैंड का क्या ही लुक दे रहा है और वाटर भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो इसमें आपको डार्क कलर देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको अब थोड़ा सा ट्री वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग ट्री के लिप्स को देखोगे तो आपको लाइट कलर में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिलता है और किसी किसी ट्री का लिप्स भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो एक बार इस टेक्सचर पैक को यूज ज़रूर करना और बताना कि आपको कैसा लगा ये टेक्सचर पैक। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और आप लोग बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग जिस चीज़ पर कमेंट करोगे ज़्यादा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग स्काई वगैरह भी देख लो, बहुत ही अच्छा टेक्सचर पैक है, एक बार ज़रूर यूज करना और लो एंड डिवाइस में ईजिली वर्क करने वाला है। तो फिर आप लोग सभी डिवाइस में इस शेडर पैक को चला सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।